मैंने ऐसा मुख्यमंत्री हमको लगता है देश में कोई नहीं होगा। स्टेट जिसका भोजपुरी को बिहार का भाषा कह रहे हैं उसको हटा के उर्दू जो उत्तर प्रदेश का सीमित क्षेत्र में बोला जाता है तो बिहार का भाषा को हटा के उत्तर प्रदेश का भाषा को रखिएगा। इंडिया में द्वितीय राजभाषा है कि नहीं? कैबिनेट में भी मामला उठाए थे और माननीय मुख्यमंत्री को मैं आभार जताते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हमको लगता है देश में कोई नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला वो बोला कि हम गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से लिए और इसका डिसीजन लिए। इस डिसीजन से हम किस वर्ड से माननीय मुख्यमंत्री को मैंने स्वागत करें मैंने आवाज़ नहीं आ रहा है, क्या कि बहुत ज़ोर से कुछ लोग के बीच कुछ लोगों ने राजनीति शुरू कर दिया था तो राजनीति के चलते हम लोग राजनीति अब हेमंत सोरेन के आगे किसी का राजनीति नहीं चलेगा। हम यही कहने लिया कोई भी चीज ये आदमी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी है और काम का आदमी है, इसलिए हम आप लोग के बीच ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। अभी फिर कार्यक्रम में क्षेत्र में जिस तरह से आंदोलन हुआ सर उसके कारण बैकफुट पर सरकार आई। अरे हमारा कहना है ना सरकार आंदोलन कौन सी आंदोलन किया धनबाद बोकारो में जिस तरह से कौन सी आंदोलन किया आंदोलन से ही हुआ है। हम यदि कैबिनेट में नहीं उठाते तो आंदोलन से हो जाता। यदि आंदोलन से करना है तो अभी पलामू बाकी है करा दो उस पर भी सरकार विचार कर रही है। नहीं हम नहीं बोल रहे हैं जो आंदोलनकारी है वो लोग से कहते हैं आपके माध्यम से पलामू चतरा गढ़वा बाकी है करा दो ना बड़ी चौक है तो आंदोलन मतलब इसका पूरा क्रेडिट आप अपने आप को मथुरा महतो को इन्हीं को देना चाहते हैं आंदोलनकारियों को कोई क्रेडिट नहीं। अरे आंदोलन मांग रखा है क्रेडिट के कहां बात है आप उचित फार्म पर बात नहीं रखेंगे तो फिर क्रेडिट की क्या बात है। एक दिन अखबार में आ गया कि आजसू और भाजपा के लोग राष्ट्रपति से मिले भाषा विवाद लेकर लेकिन वहाँ कुछ यहाँ कुछ तो ऐसा नहीं होता है। हम जहाँ भुलाए हैं वहीं खोजेंगे वहीं न पाएंगे। हम खोजेंगे रांची में भुलाए हैं और दिल्ली में जब खोजेंगे मिलेगा वही लोग का देन था जहाँ 2018 में ये पैदा किया यहाँ भोजपुरी लाया। पहले तो हेमंत सोरेन झारखंड से भोजपुरी हटाया अब जिला बाज के कुछ बात है हम लोग की बात है हम लोग की बात सुने जनता की बात सुने श्रेय सबकी जाता है आप लोग का भी श्रेय जाता है अखबार में काफ़ी आप लोगों ने लिखा है। बाकी राज्यों में सर जहाँ नहीं हटाया गया वहाँ के लिए वहाँ का जो हमारा आंदोलनकारी है उनसे कुछ आपका सर क्या है हम उसमें अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जगन्नाथ दा एक चीज सिर्फ बता दीजिए कि सरकार क्या बेसमानी क्या किस आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं का चयन किया गया और जनजातीय भाषा का सरकार ने क्या आधार माना है। आधार भोजपुरी बोलने वाला कोई धनबाद और बोकारो में नहीं कोई गांव नहीं। हाँ बाहर से आए हैं बिहार से आए हैं। अगर ये आधार है तो उर्दू बोलने वाला कहाँ है। उर्दू तो झारखंड की भी है खतियानी रही थे उन लोग। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाएं हम तक हम पहुंचाएंगे सरकार तक।